हेलो फेंड वेलकम एवरी वन होप यू ऑल आर हूँ रिमी। इस वीडियो पे आप देखेंगे बोगन वेलिया पेंटिंग ठीक से प्रोनाउंसिएशन किया है या so. <laughs> तो इस डिज़ाइन को आप देखेंगे मेरी मैंने एक बहुत ही प्लेन टॉप के ऊपर किया है बट आप इस डिज़ाइन को कोई भी सूट के ऊपर भी कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई करें बहुत बहुत सुंदर है आपको बहुत पसंद आएगी so, मैं यहाँ देख सकते यहाँ नेक की कटिंग अभी नहीं हुई है तो इसके नीचे मैंने यह कार्डबोर्ड रख दिया है आप कोई थी आ, जैसे कि चार्ट पेपर रख सकते हैं तो यहाँ आ, कलर के लिए देखिए ये है फेबिक्रिल की ये एक्रेलिक कलर आप कोई भी कंपनी के एक्रेलिक या फैब्रिक कलर यूज़ कर सकते हैं और ये ब्लू ढक्कन ये है फैब्रिक कलर ये ज़्यादा अच्छे होते हैं कपड़ों के ऊपर और ये तीसरा है ये है पार्ल कलर इसमें थोड़ी ग्लिटरी शाइन है तो यह सबसे पहले यह ब्रांचेस के लिए मैं यह ज़ीरो नंबर की राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ और यह थोड़ी सी योलो कलर था मैंने अब ऐसे ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अब थोड़ी आ, योलो के साथ ब्राउन को मिक्स करके भी आप कर सकते हैं ये अगर मुझे कलर अच्छा नहीं लगा तो मैं कलर चेंज करके इसके ऊपर कोई दूसरा कलर आ, कर दूंगी बाद में और सारे ब्रांचेस अभी मैं पेंटिंग नहीं कर रही हूँ बस थोड़ी सी कर रही हूँ थोड़ा सा लीव्स बनाने के बाद फिर थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगी उसके बाद बाकी की ब्रांचेस बनाऊंगी तो ब्रश के आ, अच्छे से पहले वाइप कर लीजिए इस तरीके से तो फ्लैट ब्रश यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ आठ नंबर के फ्लैट ब्रश तो ब्रश की एक साइड पर लाइट ग्रीन और दूसरे साइड पर लेमन येलो कलर इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है करके इस तरीके से आपको लीव्स बनानी है पहले जो लीव्स से मैंने थोड़ी गलती कर दी थी इसलिए मैंने नहीं दिखाई है तो इसका ध्यान रखें एक फ्लावर की एक साइड की पत्ती जैसे होगा आई मीन I mean मैं दूसरा कर रही हूँ तो अब देखेंगे ये देखिए अब ब्रश को आपको उल्टा ऐसे लेना है अब ग्रीन को ऊपर लेना है इस तरीके से आपको लीव्स को करना है नहीं तो मैंने जैसे पहले गलती की उस तरीके की लीव्स बन जाएगी एक साइड पे करने के बाद ब्रश को घुमा के जैसे यह लेमन येलो को मैं पहले कर रही हूँ और दूसरे साइड पे मैं ग्रीन कलर को आउटर साइड पे यूज़ कर रही हूँ तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपको ये थोड़ी सी टफ लगे तो आप ऐसे नॉर्मल जो है पहले मैंने जैसे की थी दोनों साइड पर एक भी आप रख सकते हैं बट इसमें क्या है थोड़ी अलग है आपको थोड़ी अच्छा लुक लग रहा है इसलिए बट ज़्यादा टफ लगने से कोई बात नहीं आप इसको नहीं भी कर सकते हैं तो यहाँ बाकी की ब्रांचेस थोड़ी थोड़ी करके मैं बना रही हूँ सेम कलर ब्राउन कलर से और जीरो नंबर राउंड ब्रश से आप इससे थोड़ी सी छोटी भी फ्लावर बना सकते हैं तो यहाँ ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है तो मैं यहाँ उसके साथ थोड़ी सी योलो मिक्स करके अब यूज़ कर रही हूँ अब फ्लावर के लिए एक साइड पे सेम प्रोसीडियर से जैसे कि हमने लीव्स बनाई थी तो उस तरीके से ब्रश की एक साइड पे रेड और वाइट कलर लेके इस तरीके से करना है बट इस टाइप के आपको कोई ब्रश को घुमाना नहीं है देखिए जैसे कि ब्रश इस साइड पे मैं कर रही हूँ उस साइड पे भी सेम होगा कितना खूबसूरत लग रहा है ना रेड के साथ वाइट आप कोई भी कलर को इस तरीके से कर सकते हैं जैसे आप यहां ब्लू भी यूज कर सकते हैं बहुत खूबसूरत लगेगा ब्लू या पिंक या फिर येलो के साथ आप रेड भी यूज कर सकते हैं एक दो फ्लावर आप ब्रांचेस के ऊपर भी बनाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और एक दो फ्लावर इस तरीके से बनाइए और इस टाइप के डिज़ाइन अगर आपको पसंद है ड्रेस के ऊपर पेंटिंग देखना तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको बहुत सारी इस तरीके की वीडियोस देखने को मिल जाएगी और अब सूट के ऊपर दुपट्टा के ऊपर बेडशीट के ऊपर साड़ी के ऊपर या फिर वॉल पेंटिंग बहुत सारे वीडियोस हैं आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे तो यहाँ देखिए यहाँ जहाँ जहाँ मैंने कोई पहले से मार्किंग नहीं की है आप पहले से मार्क भी कर सकते कहाँ पर आपको फ्लावर बनानी है और तुम्हारा बांगाली होंगला कमेंट करते तो रहो कि जानते चाहो सब बोलते रहो हमें बांगल सब प्रश्न उत्तर दिए देव और बांग्लाते हमारे यदि ब्लॉगर चैनल देखते जाओ तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन आए बांग्ला चैनलें से देखते पड़ो काटिंग स्टिचिंगर वीडियो दिए थी माझे माझे और ड्रेस को आफ्टर वॉश आफ्टर वॉश नहीं आफ्टर पेंटिंग इसको ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए कुछ मत करिए तो देखिए यहाँ लिप्स के अंदर इस तरीके से सेम कलर येलो के साथ मैंने थोड़ी ब्राउन मिक्स करके किया है तो इस तरीके से आप छोटी छोटी ब्रांचेस बनाएंगे पतली सी तो बहुत अच्छा लगेगा एकदम रियल जैसे लगेगा इसको तो ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से इसको आप सूट के ऊपर भी कर सकते हैं दोपट्टा के दोनों साइड पे कर सकते हैं अच्छा लगेगा बहुत ही देखिए मैंने यहाँ बहुत सारी छोटी-छोटी ब्रांचेस बना रही हूँ तो इसको 24 फोर आवर्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दे कुछ मत करे और ये तो ऐसे ही आधे घंटे में अच्छे से ड्राई हो जाती है फिर भी इसको ऐसे रख दीजिए और नेक्स्ट डे पे आपको क्या करना है इसके बैक साइड पे एक बार प्रेस कर लेना बस आपकी काम ख़त्म और कुछ नहीं उसके बाद सेवेंटी टू आवर्स के बाद अगर आपको लगे कि वॉश करना है तो आप वॉश भी कर सकते हैं बट हमेशा वॉश के बाद इसको अगर आपको प्रेस करना है तो बैक साइड पे ही करें इसके ऊपर कभी भी प्रेस ना करें और ड्रेस को कभी भी मशीन के अंदर बिल्कुल वॉश के लिए ना यूज़ करें तो यहाँ सेम ग्रीन कलर से फ्लावर के अंदर इस तरीके से मैं यहाँ राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से आपको करना है फ्लावर के अंदर अब यहाँ इसके ऊपर छोटी छोटी लेमन योलो के डॉट देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहा है है ना इसको ज़रूर ट्राई करना और आप किस टाइप की डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए मैं यहाँ ब्रश के बैक साइड यूज़ कर रही हूँ अब यहाँ देखिए ब्लैक के साथ मैंने वाइट मिक्स करके ये ग्रे कलर यहाँ मैंने सोची साइड पे दे दूँ फिर लगा नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ब्रांचेस के एक साइड पर मैं यहाँ दे रही हूँ अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं आप नहीं भी कर सकते हैं मैंने सोचा ये थोड़ी सी बस साइड पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बट आपको बहुत हल्के हाथ से करना है और ज़ीरो नंबर राउंड ब्रश ही यूज़ करना है देखिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो इसको मैं बहन के बाद ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो की एंड पे तो ज़रूर देखना और वीडियो अच्छे लगने से एक बार लाइक ज़रूर कर देना ये देख सकते हैं ये है आफ्टर कंप्लीट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग हैव अ वेरी वेरी गुड डे टेक केयर सी यू सून बाय